वेस्टइंडीज टेस्ट में टीम इंडिया में ये खिलाड़ी लेकर ऋषभ पंत की जगह। ऋषभ पंत की जगह आखिर किस पर जताएंगे रोहित शर्मा अपना भरोसा? क्या वर्ल्ड कप से पहले पंत टीम में होंगे शामिल, या फिर ये खिलाड़ी बनेगा दूसरा ऋषभ? रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है, दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज के साथ ही टीम इंडिया तीसरी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत के लिए सीरीज काफी अहम है, क्योंकि इस सीरीज से वह अपनी नई टेस्ट टीम तैयार कर सकता है। इसलिए सेलेक्टर्स ने कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, इसलिए टीम मैनेजमेंट की माथापच्ची भी कम नहीं है। मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा संकट विकेट कीपर को चुनना है। इस दौरे पर सेलेक्टर्स ने दो विकेट कीपरों को चुना है, एक है केएस भरत, दूसरे हैं ईशान किशन। टीम मैनेजमेंट को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये फैसला लेने से पहले कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के दिमाग में एक बात निश्चित होगी, वो ये कि उन्हें ऋषभ पंत के विकल्प को तैयार करना है। इस सीरीज में टीम मैनेजमेंट इस बात पर खासा ध्यान देना शुरू कर देगा। पंत का पिछले साल 30 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था, तब से वह क्रिकेट से दूर है, लेकिन उनकी कमी टीम इंडिया को काफी खल रही है, खासकर टेस्ट में। पंत ने टेस्ट में शानदार खेल दिखा, टीम को कई बार हार के मुंह से बाहर निकाला है, लेकिन उनके जाने के बाद टीम को कोई उन जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं मिला। ये टीम के लिए चिंता की बात है, और अब उसकी कोशिश पंत का विकल्प तैयार करने की है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को उनकी काफी कमी खली थी। पंत ने टेस्ट में विकेट कीपर के लिए नए पैमाने सेट कर दिए हैं। टीम अब ऐसा विकेट कीपर चाहती है जो विकेट के पीछे मुस्तैदी से काम करे, और जब बल्ला थामे तो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरे और विरोधी टीमों पर दबाव बना दे। पंत ने एक काम इंग्लैंड में भी किया और ऑस्ट्रेलिया में भी, इसलिए टीम पंत जैसा विकेट कीपर बल्लेबाजी चाह रही होगी। टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में केएस भरत को मौका दिया। भरत विकेट कीपर अच्छे हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी में पंत जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में टीम के पास एक और विकल्प के तौर पर ईशान किशन है। किशन उसी तरह के खिलाड़ी हैं जिस तरह के पंत हैं। दोनों की बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखती है, दोनों तेज तर्रार पारी खेलने के लिए जाने चाहते हैं। पंत के तरह ईशान किशन गेंदबाजों पर हावी होना पसंद करते हैं। अगर भविष्य को देखते हुए टीम फैसला लेती है तो विंडीज में ईशान किशन अपना टेस्ट डेब्यू कर सकती हैं। पंत के लौटने पर वे हालांकि बाहर ही बैठेंगे, लेकिन उनके न रहने पर किशन को मौका मिल सकता है। जब तक पंत नहीं लौट रहे हैं, तब तक किशन को टीम भरपूर मौके देकर तैयार कर सकती है, ताकि वह भविष्य में जरूरत पड़ने पर रेडी रहे। इसलिए विंडीज दौरे पर अगर ईशान किशन को मौका मिल जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।